परमात्मा को व्यापक कहते हैं। व्यापक वस्तु में अलग अलग पड़ा नहीं होता। जयराम जी, ये आत्मा ही ब्रह्म रूप है, परमात्मा स्वरूप है। ये क्यों कहते हैं कि व्यापक जो वस्तु है उसमें ये अलग अलग पड़ा नहीं पड़ता। अरे भाई, तो हम अलग देख रहे हैं उससे कि अरे तुम दीवार से, ये जो है ना मकान के जरिए आप अलग देख रहे, अलग रहे नहीं, ठीक है कि नहीं? तो ये बुद्धि है, शरीर है, असूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनसे आप अलग इनको देखते हैं, पर वास्तव करके ये अलग नहीं है। तो जैसे ये अलग नहीं है, ये जान लिया आपने, आकाश जो इसमें है वो अलग नहीं है, तो ये आत्मा भी अलग नहीं है, ये आत्मा ब्रह्म रूप है, इनसे अलग नहीं है। क्यों भाई? कि जरा सूक्ष्म बात है, ध्यान दोगे तो समझेंगे, अलौकिक बात है, अलौकिक बात नहीं भाई। ये 5 रुपया दे और 5 गज दे दे कपड़ा, कपड़े की नहीं, जरा सूक्ष्म बात है ना। जिसको जानते हैं खीर सागर में, अरे खीर सागर पागर नहीं, इस सबकी जान बना बैठा है वो। व्यापक वस्तु में अलग पड़ा नहीं होता है। परमात्मा मेरे से अलग है, मैं उनसे अलग हूँ, ये अलग पना है, तब ये दुखी हुआ। द्वितीया द्वैत भयम भवती, इसीलिए कहते हैं दीनता को त्याग नर अपन स्वरूप देख, दीनता को त्याग नर अपन स्वरूप देख, तो शुद्ध ब्रह्म अज्ञ दृश्य को प्रकाशी है। दीनता को त्याग नर अपन स्वरूप देख, तो शुद्ध ब्रह्म अज्ञ दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार कर आप अवनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख दुख जग आने जी है, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग ईश होए माया से प्रभाषित हो, जैसे रजु सांप सीपि रूप प्रभाषित। दीनता को त्याग न रहा, ये जो दीनता है एक गुलामी को छोड़ दे सदा के लिए, ये नहीं तो मैं तो कहते कहने को छोड़ दे, आगे बढ़ो। एक ही सीढ़ी पर बैठा रहेगा तो कहां चित्त पर पहुंचेंगे। मेरे को कर्म करना है, आगे बढ़ो, उपासना करना है, तो ज्ञान पर भी, ज्ञान पर पहुंचेगा तभी, नहीं तो यूं करता रहना। तो दीनता को त्यागना, अपना स्वरूप दुख तुम कौन है, ये प्रपंच में आ करके इसमें 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 लेकर के अपने को भूल गए। फिर सौदा की बीमारी हो गई है कि ये माल छाल दुनिया के मिलेंगे तो सुखी होगा, जो नहीं मिलेंगे तो होगा दुखी होगा। अच्छा, जिनको मिले हैं उनको पूछो क्या है तुम्हारे को, सुखी है? नहीं होगा सुखी जब तक ये बोध होगा वो सुखी है। जिनके पास कुछ नहीं है, हर रोज रोटी मांग करके खाते हैं, पर जिनको ये बोध है वो कि वो दुनिया के मालिक के ऐसी मस्ती होती है बस, को हाल मस्त, को माल मस्त, को तोता मस्ती सुए में सुहावरे वो बोला तो, अरे ये मस्ती दूर है क्या है, एक खुद मस्ती बिन पड़ी अवध्या चूल्हे में, ये चांदना की है चांदनी, जब तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेंगे तो कहाँ ये होगा। अरे ये की यह ऐसी है जीवन मुक्ति की मस्ती हो जाएगी, यहाँ की यहाँ आनंद में, जब इस हाँ हो गया शरीर की पूरा, तभी की तभी उस अखंड आनंद में पूर्ण की, अभी भी अखंड आनंद में खाली शरीर के ही है, पर पंचमेश में ये थोड़ा प्रतीत होता है, ये खत्म हो गया। श्री राम। तो क्या है यार, क्या अपने को जानते हैं? तभी तो कहता है ना बर्थरी, चंचला को मत चित, चंचला करे तो चित, चंचला को तीन चित, चंचला के मत। श्री राम।
अरे ये खाना खराब कर देते हैं, ये समझते हैं हम शब्द सुप्रस रूप रस गंध ये बड़े अच्छे चीज है, अमृत है। अरे अमृत नहीं, जहर है। जाता है कौन, वो पतंग अग्नि को दे करके कि आनंद लेता हूँ, पतंग आनंद लेता हूँ। आप जानते हैं, हम जानते हैं क्या आनंद लेता है उसके मन में, कि आनंद लेने जाता हूँ, आनंद दूर लेता है, जल जाता है। मछली के मैं आनंद लेती हूँ, एक लोहे का होता है टुकड़ा, उसमें डोरी में जरा वो डाल करके मछली जा और कोई आटा वगैरह वो फेंकते हैं, मच्छी आकर के उसमें वो करती है, वो जानती आनंद मजती उठा लगती उठा रसती उठा आनंद जो लेती है वो देखो बाहर आ करके यूं बेचारी फतक फतक मर जाते हैं, प्राण दे दी। जिब्बा के जरिए वो मछली अपना सिर देती है, तो आंखों से वो रूप को देखाएंगे। अरे एक एक विषय नाश कर देता है, जो पांचों का गुलाम होगा उनका क्या हाल होगा, मेरी बुढ़ेंगी कि नहीं, कि वो सुख नहीं मिलेगा ब्रह्मानंद का, जो ये खुद है वो हमारी खुद हमारी जान है, वो पार ब्रह्म आनंद स्वरूप हमारी जान है। फिर क्या क्या तुमने, अरे है तो सही पर तुम तो उधर दौड़ता रहता है ना बाहर की चीजों में, अभी मिलेगा दूर, वो तेरे पास है श्री राम, तुम दौड़ता है उधर को मिलेगा, उधर क्या मिलेंगे, सुई तुमने कहा गमाई कि सुई गमाई घर में, अभी बाहर सुई को ढूंढता है कहा मिलेंगी सुई, श्री राम। दुनिया की कोई चीज सही से लेके जितनी की सृष्टि है प्रकृति तक कोई आनंद स्वरूप नहीं, नहीं आनंद दे सकेंगे, जिसके पास आनंद है ही नहीं तो देंगी दूर, ये गारंटी है। दुनिया की कोई चीज आनंद स्वरूप नहीं है, खाना है भूख को मिटाने के लिए, सदा रहने वाला आनंद तेरे को नहीं देगा,